भगवान न करे, लेकिन खबर ये भी वायरल हो रही है कि राजस्थान के सियासी ड्रामे शह और मात के खेल में अगर किसी विधायक को कोरोना हो गया तो, क्योंकि जिस प्रकार की गतिविधियां फोटो दिखाई दे रहे हैं उनमें कहीं किसी तरह की सोशल डिस्टेंस की पालना हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं की जा रही है। खैर, नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के YouTube चैनल CK न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी पॉलिटिकल स्टोरी का यही है विषय। एनीवे, पहले तो यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना न भूलिए, साथ ही हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे में यह आशंका बढ़ती जा रही है कि यदि कोई या कुछ विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए तो 14 अगस्त को बुलाए जाने वाले प्रस्तावित विधानसभा सत्र का क्या होगा। इस समय यह प्रश्न चर्चा में है कि क्या ऐसी स्थिति में विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाना चाहिए। विधानसभा के पटल पर होने वाले मतदान में वोट डालना प्रत्येक विधायक का अधिकार है, लेकिन अगर वह वोट डालने आ ही नहीं सकता तो उस स्थिति में क्या होगा। ऐसे मामलों में निर्णय लेने का तथा गाइडलाइन जारी करने का अधिकार निश्चित ही विधानसभा अध्यक्ष के पास है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता के अनुसार इससे बहुत नाजुक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत अपने विधायकों को किसी होटल के अंदर ताले में आखिर कब तक रख सकेंगे तथा सरकार किसी 5 सितारा होटल से आखिर कब तक चलती रहेगी। CK न्यूज़ के सूत्रों का कहना है कि विधायकों के बीच किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जैसा कि उस दृश्य से जाहिर है जिसमें मुख्यमंत्री बिना मास्क लगाए महिला विधायकों के साथ जैसलमेर के होटल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वे मुख्यमंत्री को राखी बांध रही है तथा आरती उतार रही है, लेकिन न तो उन्होंने मास्क पहना हुआ है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही ध्यान रखा जा रहा है। खैर, यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या किसी विधायक के लिए यह कानून संगत एवं वैध होगा कि वह सदन के बाहर पूरी गोपनीयता बरतते हुए अपना वोट दें, क्योंकि अदालत ने तो यह पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री के पास सत्ता में बने रहने लायक बहुमत है या नहीं फ्लोर टेस्ट की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका अर्थ है सदन के पटल पर वोट डालना। यह फैसला बुम्बई फैसले के आधार पर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर असमंजस एवं अनिश्चय का माहौल है कि अगर एक या एक से अधिक विधायक कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो परिणाम क्या होगा तथा उस स्थिति में गहलोत सरकार की क्या स्थिति होगी। उधर दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता ने यह स्वीकार किया है कि गहलोत सरकार बिल्कुल किनारे के सिरे पर खड़ी है, उसके पास बहुमत की अल्पता नजर आ रही है तथा विधायकों के इधर उधर होने से पूरी सरकार की स्थिति बदल सकती है। इस वरिष्ठ नेता ने यह भी स्वीकार किया है कि गहलोत सरकार कुल मिलाकर एक तरह से अस्थिर स्थिति में आ गई है तथा अगर वह विश्वास मत हासिल कर भी लेती है तो भी यह सरकार न तो ज़्यादा दिन चल पाएगी और न ही यह स्थिरता का एहसास कराने का अच्छा शासन प्रशासन प्रदान करने की स्थिति में ही रहेगी। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि कोरोना होने या न होने की स्थिति के अलावा भी समुचित विकास और मोहरे गहलोत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, भले ही ऐसा करना राज्य तथा पार्टी को कितना भी महंगा पड़े। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, CK न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।